तीन माइक अडेप्टर। तो गाइस ये 15,000 रुपये की, तो ये तीन ही चीज़ें हैं। हेलो माय फ्रेंड, क्या हाल है? ओ भाई, ये तो काफ़ी गहरा है। कैमरे चेक करने के बहाने ऑफ रोड मार रहा हूँ मैं, खतरनाक। तो मेरे कपड़े देखो भाई पीछे भाई बहुत मिट्टी मिट्टी हो रखी है। क्या करना है अब थोड़ा? ये बाल्टी दी पानी दी डोरल है ए मुंह धोने अभी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आज के ब्लॉग की शुरुआत घर से हो रही है। ऑनलाइन सामान आ चुका है, अभी आया जस्ट, और मैंने GoPro की सेटिंग कर दी है। तो यहाँ पे अपना GoPro एंड यहाँ पे सारी एक्सेसरीज पड़ी हुई है एंड यहाँ पे मम्मी। बाकी गाइस सारा कुछ बताता हूँ कि क्या क्या चेंज हुए GoPro में। मैंने जो लास्ट वीडियो डाली ऑफ रोड वाली, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, थोड़ा सा मतलब इसके लेंस पे टच कर रहे थे तो ऑडियो वगैरह सारी ग्लिच हो जा रही थी। और अभी मैंने चेक करके देखा पूरी फिटिंग की, तो अभी तो प्रॉपर आवाज़ आ रही है जैसे पहले आती थी। मैंने लास्ट वीडियो डाली ऑफ रोड वाली, उसमें ना कॉपीराइट बच गया था, जहाँ पे अपनी वीडियो ग्लिच हुई थी वहाँ से मैंने वीडियो के एंड तक एक म्यूज़िक यूज़ किया हुआ था, तो उसकी वजह से मेरी वीडियो पर कॉपीराइट आ गया था। बट कोई दिक्कत नहीं, मैंने यूट्यूब वालों से बात करके वो सारा कुछ कॉपीराइट हटा दिया, देन अपना जो मोनेटाइजेशन है वो इनेबल हो गया। ये रहा अपना GoPro, और ये देखो पहले तो एक माइक अडेप्टर ये लगा हुआ है जो न्यू मंगवाया मैंने, एंड एक ये जो मैंने 5G से ख़राब कर दिया था पहले बताया आपको, एंड ये भी न्यू है भाई, देखो चेक करो। तो बाकी ये चीज़ अभी आई है, ये चीज़ चेंज हुई है, माइक अडेप्टर न्यू डल चुका है। और अभी मैंने ना शूट करके देखा तो सारा कुछ अच्छा ही हुआ, बाकी ये ओल्ड वाली एक्सेसरी। तो भाई ये चेक करो, ये हो गया, ये हो गया, तीन माइक अडेप्टर। तो गाइस ये 15,000 रुपये की, तो ये तीन ही चीज़ें हैं। ये अभी आई मॉर्निंग में, तो फिट वगैरह कर दी मैंने सारा कुछ, और ये पड़ा हुआ है इसका सिस्टम सारा ही। तो अभी ना मैंने सारा कुछ चेक कर लिया, ये तो सारा कुछ अच्छे वर्क कर रहा है इसमें, बाकी सारा कुछ ठीक ही है। इसका ना माइक अडेप्टर की दिक्कत थी, और मैंने ये भी चेंज किया, ये भी थोड़ा बैंड हो गया था तो उसकी वजह से आवाज़ वगैरह कट रही थी। बाकी बाइक पे चलते हैं, बाइक की साउंड भी ज़्यादा है, तो देखेंगे क्या परफॉर्मेंस है। जैसे कैमरा ऑन होता है मेरे घर वाले सारे भाग जाते हैं यहाँ से। तो फाइनली गाइस अभी ना सेटअप पे आ चुका हूँ, और 390 को लेके जाएंगे, थोड़ा इसमें साउंड भी ज़्यादा है ना, तो देख लेंगे भाई GoPro कैसा कैसा कैप्चर करता है ऑडियो। GoPro तो अपनी जगह ठीक है, बट इसका ना माइक वगैरह में दिक्कत थी, तो सारा कुछ मैंने चेंज कर दिया है, आप लोगों के सामने ही बताया सारा कुछ। सो फाइनली गाइस अब कॉल स्टार्ट कर दिया, और भाई अभी ना मैं चप्पल में जा रहा हूँ, तो अभी ना थोड़ा घर पे काम वगैरह लगा हुआ है। वैसे मैं फ्री नहीं था, बट आप लोगों के लिए मैंने सोचा एक व्लॉग बनाता हूँ। आप लोगों को पता ही है साउंड वगैरह इसकी काफ़ी कूल आती है आजकल, और अभी ना माइक वगैरह अडेप्टर वगैरह सब चेंज किया, तो पता नहीं कैसी साउंड आ रही है, तो चेक करो। मैं वाइजर बंद करके बोल रहा हूँ, होप करता हूँ कि आवाज़ वगैरह सारा कुछ अच्छी आ रही हो। बट गाइस ज़्यादा देर में वाइजर बंद नहीं रख सकता, बिकॉज यार मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता है बाइक भगाने का। मतलब भगा तो मैं देता हूँ, बट वाइजर बंद होना ऐसे मेरे को लगता है कि मेरे से बाइक नहीं रुकेगी, तो इससे अच्छा ही वाइजर खोल के ही चलते हैं। भाई यहाँ भी पुलिस वाला था, और मैं पटाखे मार रहा हूँ। रॉन्ग वे से चल देंगे भाई अभी। जब मैं जा तो रहा हूँ इस वाले रोड से, बट मेरे को पता नहीं है प्रॉपर कि ये रोड ओपन है कि क्लोज है, बिकॉज आप लोगों को पता है काफ़ी टाइम से बारिश वगैरह हो रही थी, तो हर रोड की काफ़ी एक बुरी हालत है, वहीं पे इतनी गंदी हालत है, मेरे को ना देख के जाना पड़ेगा थोड़ा। जब से ना मैंने इसका स्ट्रोक एग्जॉस्ट निकाला है, तब से मेरे को इसको चलाने का काफ़ी मज़ा आ रहा है। रोड बंद है, जाके देख के आते हैं क्या सीन है भाई, थोड़ी सी जगह चाहिए हमें, ज़्यादा नहीं। सो अभी जाके देख के आएंगे कि कहाँ जैसे रोड बंद है और कहाँ पे क्या हुआ है। तो छोटी मोटी लैंडस्लाइड हुई होगी, तो मैं निकाल दूंगा बाइक को। इस वाले रोड पे ना काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ मैं, जंगल कैंपिंग पूरे घर। तो ये बोल रहे हैं कि आगे लैंडस्लाइड तो नहीं है, बट टाइल वगैरह लगा रहे हैं ना,
तो रोड बंद है, बाइक भी निकलेगा। और बाकी भाई ये चेक करो, ये क्या चीज़ है, पहली बार देखी गाइज मैंने ये। आई थिंक टाइल्स ही है, ये टाइल है, मैंने पहली बार देखा ना, इधर छोटा छोटा है। चलो ठीक है भैया, अगर लैंडस्लाइड वगैरह हुई होती ना गाइज तो मैंने बाइक निकाल ही देनी थी। फिर से वहीं पे आ चुके हैं, मेरे को ना थोड़ा सा हेलमेट लूज लग रहा है अपना, मैंने दोबारा से इसमें पैडिंग करी हुई थी बट वो पैडिंग मेरे को लगता है थोड़ी कम हुई है, साइड से ना ऐसे लूज ही लग रहा है। अभी तो गाइज मैं रॉन्ग साइड से चला हूँ, आज थोड़ा सा काम था मेरे को घर में बट GoPro सेट किया था, मैंने सोचा शूट करके भी देख ही आते हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर जो मैंने पार्ट्स मंगवाए हैं उसकी रिप्लेसमेंट डाल देंगे। बट अभी तक ठीक ही है सारा कुछ, मार्केट भी थोड़ी खाली खाली लग रही है मेरे को। अभी चलते हैं ऊपर, आप देखते हैं भगा के। जब भी ना थोड़ी सी हाई स्पीड में निकलता हूँ मैं, बंदे मुड़ मुड़ के देखते हैं यार, अंदर से मतलब शॉप से बाहर निकल आते हैं कि क्या आ गया ये, क्या चीज आ गई है। भाई बहुत गंदे पटाखे मारते हैं यार ये। सब भाई अभी ना बच्चे रोक रहे हैं। हेलो माय फ्रेंड, क्या हाल है, देखा था व्लॉग? हाँ, राइड करके आ गया, मैं कैमरा चेक करने गया था। अभी ठीक ही बन रही वीडियो तो घर जा रहा हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर ना। छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं ना, मेरे को काफी खुशी होती है भाई। एक बार ऑफ रोड में भी जाके देख के आते हैं, बिकॉज क्या होता है गाइस ऑफ रोड में ना ऐसे हेलमेट वगैरह काफ़ी शेक होता है, तो क्या पता ऑडियो वगैरह ग्लिच हो जाए। बट भाई अभी तो ना मेरे को पूरा विश्वास हो गया कि मैंने इसके जो जो पार्ट्स चेंज करे हैं ना उनमें ही दिक्कत थी, क्योंकि ना इसकी जो माइक की तार अडैप्टर के साथ लग रही थी ना वो काफ़ी लूज लग रही थी। लास्ट टाइम यार बड़े खज्जल हुए हैं मैं और अंटोर गोला भाई आए हुए थे ना, आप लोगों ने देखा बारिश पड़ गई थी और यहाँ पर ना यहाँ से सारी जो क्लिप थी वो सारी ख़राब हो गई थी। बट मैंने क्लिप तो डाल दी थी बट मैं वीडियो एंड नहीं कर पाया था। फिर उस दिन मैंने सोचा यार आज के व्लॉग में कुछ मज़ा नहीं आया, तो भाई आज जाएंगे भाई यहाँ पे, जो मेरा पिछला वाला माइक अडैप्टर था ना तो उसमें क्या सीन और था, मतलब एयरफोन लगा के वीडियो देख रहे थे तो एक एयरफोन वीडियो चल रही थी तो, और उसकी ना आवाज़ भी काफ़ी कम सुनाई दे रही थी। तो अभी ये वाला चेक करना गाइज आप लोग ना, अभी तो आप लोग वीडियो देख ही रहे हो, होप करता हूँ कि आप लोग को आवाज़ काफ़ी अच्छी आ रही हो। तो भाई करते हैं थोड़ा सा गलत काम, ऑफ रोड में डालते हैं, हमारी चप्पलों के लिए गलत काम ही है भाई वो। यहाँ पे ना काफ़ी ख़राब होगी हालत, एक तो ना बाइक का वेट भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, मैं खड़ा भी नहीं कर सकता बाइक को। ओहो वैसे यार ऑफ रोड करने में मज़ा तो काफ़ी है। ओ भाई ये तो काफ़ी गहरा है, अगला टायर ही पूरा चला गया अंदर, रिम तो पूरा अंदर ही घुस गया। तेज़ से टर्न कर लेते हैं बाइक को, ज़्यादा आगे जाकर फायदा नहीं है। भाई साहब तो भाई अभी ना स्टैंड लगा के देखते हैं एक बार इसको, ये चेक करो गाइस, अगला टायर देखो भाई, अगला टायर तो पूरा इसका उसमें चला गया है। और ना बाइक को मैं छोड़ नहीं सकता, कैमरा चेक करने के बहाने ऑफ रोड मार रहा हूँ मैं, खतरनाक। तो आज ना अपना कोई भी भाई फ्री नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं अकेला ही कराता हूँ। और भाई चप्पल की हालत देखो, कीचड़ आ रहा है पूरा ही। अभी सुबह नहा के आया था यार, अभी मेरे को ना फिर से नहाना पड़ेगा एक बार, मजा तो काफी आता है यार ऑफ रोड करने में। अभी ना
बीच बीच से लेके जाऊंगा मैं सोच रहा हूँ यार पैर ना लगे ना बस मेरे नीचे। चल 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 शिट मैन टायर ही घुस जा रहे अंदर। मेरे कपड़े देखो भाई पीछे भाई बहुत मिट्टी मिट्टी हो रखी है। तो अभी चेक करो आज तो मैंने इतना बर्नआउट वगैरह भी नहीं मारा, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग की बट ये पता नहीं क्या चक्कर हो गया, काफ़ी अंदर अंदर तक कीचड़ आ गया। आज की वीडियो में आप लोगों ने देख लिया अपना, मैंने हेलमेट सेटअप दोबारा से सेट किया, जो जो पार्ट्स आए हुए थे सारे इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं। एंड अभी ना ऑडियो वगैरह आप लोगों ने देख ली कितनी क्लियर ऑडियो आ रही है। और सेकेंड अपनी ड्यूक 390 में ऑफ रोड कर दिया है, एक बार ना पूरा लुक चेक कर लो बाइक का। मॉडिफाइड बाइक्स काफ़ी प्यारी लगती है, बस ये है कि थोड़ा इलीगल है। सोच रहा हूँ ऑफ रोड टायर ही डालूँ, बट मेरा कज़न बोल रहा था कि मेरे पास टायर्स पड़े हुए हैं, जब भी टायर डलाऊंगा आप लोगों को इस टायर पे बर्नआउट देखने के लिए मिल जाएगा ख़तरनाक वाला। ओ भाई ये तो कहाँ साइड से लेके जा रहे कुछ, ओ भाई ये गिर ना जाए यार, ओ क्या कर रहे हैं भाई बंदे, ये चेक करूँ। सो भाई चलते हैं अभी, तो इस वाली वीडियो को यही पेंट कर देते हैं। तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब आप लोगों को एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, फुल सपोर्ट। A few moments later. So भाई अभी ना घर पहुंचे और मम्मी मेरे को बकरे थे। क्या करना अब थोड़ा है चिक्कड़े बुंदा जा रही रू। अरे पीछा हूँ गंदा हूँ तो भाई अभी गालियाँ पड़ रही हैं यहाँ पे थोड़ी। अब इनको पता नहीं कि कैमरा होने की नहीं वो आ रही है जरा इधर तक छुरू हो रहा है। मैं लोग गोप्रो सेट करो चेक करी तो थोड़ा ले ये बाल्टी दी पानी दे डोला ले ए मुंह धोने भी जब भी आप लोगों ने देख लिया आते मम्मी से गालियाँ बढ़ गई। तो अभी ना मैं वहाँ से बाइक को लेके आया तो मम्मी एकदम बकरे थे, मैंने फटाफट कैमरा ऑन कर लिया। तो आप लोगों ने देख लिया रिएक्शन, पहाड़ी मोम रिएक्शन, गंदी बाइक पे रिएक्शन देखा ही आप लोगों ने। चलते हैं भाई यही था वीडियो में, और भाई सच में यार बाइक काफ़ी गंदी होगी, मम्मी ने तो बकना ही था मेरे को। तो भाई अभी निकलते हैं यहाँ से, निकलते क्या यार घर पे हूँ। तो ठीक है गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।